वो देशभक्त है, ये लोग पाखंडी है, और पाखंडियों का ऐसा ही विरोध जारी रहेगा। जो कानून है वो लागू करेगा, उसके बाद और क्या होगा, हिंदुत्व का कानून लागू करने के बाद फिर कहेगा ये वर्ण व्यवस्था लागू करेगा, इसी को कौन तो जन्म लेता है, माथा से कौन तो जन्म लेता है, पेट आ भुजा वाला बात करेगा, ये सब अनपढ़ बन जाहिल बन। अरे पेट में अनाज पचता है रे, है वहां पे घर्षण होता है रे, है कैसे तुम वहां तुम कैसे दे रहे, माता से कैसे जन्म लिए रे बताओ, ब्राह्मण जन्म कैसे माता से तुम लोग जन्म लेते हो, यानी तुम लोग वोमिटिंग का औलाद हो, है वोमिटिंग का औलाद हो, बहुत वोमिटिंग अच्छा चीज होता है, देंगे ऐसा होने गर्दे उड़ा देंगे हम, ऐसा होने देंगे। डीएसएस पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, धर्म सेवक संघ पूरी तरीके से हम लोग तैयार है, तमाम देशभक्तों की फौज है डीएसएस। मूर्ति को इसीलिए तोड़ा लो क्योंकि ये धीरेन्द्र शास्त्री बहकाया होगा उन लोगों को, अंबेडकर साहब देश में समानता का कानून लाए थे और धीरेन्द्र शास्त्री जैसा पाखंडी ये नहीं चाहता है कि देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बना करके सौहार्द और प्रेम पूर्वक रहे, इसीलिए अंबेडकर साहब की मूर्ति को ये लोग डर के मारे तोड़ता है, क्योंकि सामना तो कर नहीं सकता, सामना करने की तो औकात है नहीं अंबेडकर साहब के सिद्धांतों का, तो ये लोग मूर्ति को तोड़ता है। अरे कभी अंबेडकर वादियों से भी, कभी देशभक्तियों से भी, कभी देशभक्तों से भी सामना करके दिखाओ, उसके बाद पता चलेगा कि तुम्हारे जैसे सो ढोंगी हो और ढोंगी की मानने वाले पतलून के लिए कर रहे लोग असली राष्ट्रवाद है, आप लोग असली राष्ट्रवाद है, असली राष्ट्रवाद है। जो अंबेडकर को नहीं माने, जो महात्मा गांधी को नहीं माने, जो लालू प्रसाद को नहीं माने वो देशभक्त है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को नहीं माने, जो सरदार भगत सिंह जी को नहीं माने वो देशभक्त है, ये लोग पाखंडी है, और पाखंडियों का ऐसा ही विरोध जारी रहेगा। तो संविधान खत्म कर क्या लाएंगे फिर, आप जो कह रहे संविधान खत्म करना ये, क्या लाएंगे ये फिर से मनु युग लाना चाहता है। देखिए अब आपने बहुत रियल क्वेश्चन कर दिया और इस पे हमको एक मिनट बोलना है, मजबूती से हम रखना चाहते हैं, बोलिए सच्चाई क्या है। ये मनु युग लाना चाहता है, सबसे पहले ये देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके तोड़ेगा देश को और हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। अब हिंदू राष्ट्र की बात करेगा उसमें क्या होगा, जो देखिए ये हिंदू राष्ट्र करके और पहले हिंदुत्व की यहाँ पे माने एक जो प्रकाष्ठा है, जो कानून है वो लागू करेगा, उसके बाद और क्या होगा, हिंदुत्व का कानून लागू करने के बाद फिर कहेगा ये वर्ण व्यवस्था लागू करेगा, इसी को समझिए, वर्ण व्यवस्था लागू करेगा, कौन कौन तो मुंह से कौन तो जन्म लेता है, माथा से कौन तो जन्म लेता है, पेट आ भुजा वाला बात करेगा, ये सब अनपढ़ बन जाहिल बन। अरे पेट में अनाज पचता है रे, है वहां पे घर्षण होता है रे, है कैसे तुम वहां तुम कैसे दे रहे, माता से कैसे जन्म लिए रे बताओ, ब्राह्मण जन्म है कैसे माता से तुम लोग जन्म लेते हो। रही बात कि रब मुहमा माथे में ना है, तब मुंह से तुम लोग किसी से ना मेरे मुंह से तो घोटा जाता है, उगला किस तरह, यानी तुम लोग वोमिटिंग का औलाद हो, हैं वोमिटिंग का औलाद हो, बहुत वोमिटिंग अच्छा चीज होता है, वोमिटिंग जब पेट खराब होता है तब होता है, ऐसा पेट खराब होने के बाद इसे जन्म लिया है, हैं वोमिटिंग का औलाद हो, सुन लो सुन बउरा तीन, तुम कहते हो कि पैर में शूद्र होते हैं तो बाबू जी के जाते हो तो मथवा छूते हो कि पैर में छूते हो रे, है सबसे बढ़िया तब तो पैर में ना हुआ। और रही बात ये लोग ऐसे ही फिर हिंदूवाद ये लोग स्थापित करके और ये जो होता है क्या वर्ण व्यवस्था लागू करेगा और फिर से महिलाओं को बेटियों के साथ ऐसा ही प्रताड़ना की जो भावना है जो कानून है वो लागू करेगा और फिर से दास प्रथा शुरू करेगा और जो हमारे समाज के जो बैकवर्ड एस सी एस टी जो माइनॉरिटी जो लोग हैं उनको पढ़ने लिखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, खुलेआम चलने का अधिकार, तमाम अधिकारों से वंचित करेगा और फिर से देखिएगा देश को जैसा 3000 वर्ष तक वर्ण व्यवस्था के अनुसार देश को गुलामी की जंजीर में जकड़े रखा वैसे ही फिर से जकड़ना चाहता है। ये हिंदुस्तान के जो अंग्रेज जो खास करके हिंदुस्तान की आजादी के बाद चले गए तमाम संघर्ष के बाद, ये हिंदुस्तान के उन अंग्रेजों के नजायज औलाद लोग ये फिर से कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान को गुलाम बना दे। आप ऐसा होने दीजिएगा, ऐसा होने देंगे, ऐसा होने मैं गर्दे उड़ा देंगे हम, ऐसा होने देंगे। डीएसएस पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, धर्म सेवक संघ पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं, तमाम देशभक्तों की फौज है डीएसएस, गर्दा उड़ा कर रख देंगे, नस नस फाड़ देंगे। आखिरी सवाल है, आपको डर नहीं लगता अभी तक कड़ा बात कह देते हैं एकदम जोर जोर से कह देते हैं, डर नहीं लगता आपको भी लोग कुछ कर सकता है, केस दर्ज करा देगा? ये कौन है, ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी। डर लगेगा, गार गार नसवा फाड़ देंगे नसवा। ये कौन है?
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नीचे बैठते हैं उनके शरण में, ऊपर से आशीर्वाद मिलते रहता है। गर्दा धूरी धूरी धुआं धुआं नहीं उड़ा दिया तुम लोगों का, फिर तुम कह देना संविधान पे हमला करोगे, संविधान पे तो बाप का औकात है संविधान पे हमला करे के, और मूर्ति तोड़ते हो बाबा साहब का, मूर्ति तोड़ते हो। फूर्ती में कभी मिलना बढ़िया से, उसके बाद बताएंगे कि संविधान का ताकत क्या होता है। ये वही संविधान है जो एक ढोंगी पाखंडी जोगी भरथली को मुख्यमंत्री बना दिया है, और वही मुख्यमंत्री बनने के बाद उलझुल बात करता है। ये संविधान के तहत ही उसको कान पकड़ करके और गद्दी से बाहर निकाल करके फेंक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।